स्वाद बताते हैं कैसा लगता है। आप बने रहिए ब्लॉग में और देखिए बनेगा कैसा मेरा गेट लगता है, उसका मेहनत रंग लगाया कि नहीं, और कमेंट करके बता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो आज ये ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग से चाय आप लोग के लिए। तो आज ये क्या क्या मैं करूँगा पूरे दिन तो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आज पूरे दिन का जो भी होगा, जो मैंने किया नहीं किया, आज डेली ब्लॉग में जो करूँगा सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अभी जाना है स्कूल पहुँचानी, तो आते हैं बाबू को स्कूल पहुँचा कर फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बाबू को स्कूल छोड़ के आ गया और अब जा रहा हूँ घर का दूध लाने। तो ये रहा मेरे हाथ में दो कमंडल और चलते हैं दूध वाले के यहाँ से दूध लेने। तो ये हमारे इधर का प्यारा सा कह लीजिए जंगल, या हम लोग इसे लीची गाछी कहते हैं, या छोटा सा जंगल कह लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं। लगभग दूध लेने पहुँच गया और जहाँ से मैं दूध लेता हूँ वो मेरे बचपन के दोस्त का ही घर है। तो चलते हैं और अपने दोस्त से भी मिलते हैं और दूध लेते हैं। तो आप लोगों से दूध लेके घर की तरफ घर के तरफ जाते हुए फिर आपसे बात करेंगे। तो हम लोग दूध लेने आ गए हैं, तब से थोड़ी देर में मिलते हैं। दूध मिल चुका है और घर जा रहे हैं अब। तो ये गली का प्यारा सा व्यू, उनके मतलब मेरे दोस्त के गली का प्यारा सा व्यू। तो चलिए अब सीधा आप लोग से घर पे मिलते हैं। तो आगे दिखाते हैं घर पे क्या क्या करना है। तो अब सीधा घर पे मिलते हैं आप लोगों से। तो दूध लेके मैं आ गया घर, अब बारी है दूध उबालने का। तो चलिए दूध उबालते हैं। वो दूध गैस पे चढ़ा चुके हैं और अब दूध उबलने का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारा दूध उबल चुका है। आज काफ़ी टाइम बाद मैं दूध बॉयल कर रहा हूँ। तो दूध बॉयल करने का फिर मुझे और भी काम करना है, तो चलिए आप लोग को वो भी दिखाएंगे। हे गाइस, दूध उठने के बाद अब टाइम हो गया है दोपहर का। तो दोपहर का टाइम हो गया और भाभी जी ने कहा कि अभी आपका गेट साफ करना है, दीपावली का बचा हुआ, तो अब मुझे गेट साफ करना है। तो चलिए दिखाते हैं फिर से, आज बैंड बजने वाला है मेरा, तो फिर गेट साफ करते आपको दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू उसका। तो सफाई में यही काम बच गया, क्या कर रहे हैं। आज लाइक घर के सर्वेंट हैं हम, यही करना बचा हुआ अब हमको। तो दिखाते आपको आज क्या क्या होता है पूरे दिन। अभी तो दोपहर ही हुआ है, अभी तो पूरा शाम बचा ही हुआ है करने का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे ग्रीन साफ करते हैं। और इसका धोने का प्रक्रिया बाकी है, धो रहे हैं और धोने के बाद बताते हैं कैसा लगता है। आप बने रहिए ब्लॉग में और देखिए धोने का कैसा मेरा गेट लगता है, उसका मेहनत रंग लगाया कि नहीं, और कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी देर में दिखाते हैं धो के कैसा लगता है मेरा गेट। तो ये देख सकते हैं आप, जब पानी मारने का गेट जब मैंने धोया तो यार सच में कितना प्यारा लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा अभी पेंट हुआ यार। मतलब दीपावली में यही होता है, घर रिन्यू हो जाता है। तो सच में यार मेहनत रंग लाया और गेट सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है काम करके यार। तो अब फाइनली गेट धुल गया है और बचा मेरा कपड़ा धोना और नहाना। तो ये तो जो ही पहना वो पूरा भीग गया है गेट धोने के चक्कर में। तो अब चलते हैं कपड़ा धोते हैं और उसके बाद नहाते हैं, फिर आप लोगों से शाम में मिलते हैं। तो सारा काम कंप्लीट करके अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ। तो शाम के 4 बज चुके और अब मुझे एक और काम है, चाय बनाने का और सबको चाय पिलाने का। तो अब चलिए चाय बनाते हैं और सबको चाय पिला के आप लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग किचन में आ चुके हैं और मेरा चाय भी कंप्लीट हो गया। तो अब चाय छानेंगे और सबको देंगे और खुद पियेंगे भी, तो मज़े लेंगे। तो आप लोग, और मेरा चाय बन गया फाइनली। और उसके बाद अब इसके बाद आई थिंक कुछ करना नहीं है, हो सकता है शाम को मुझे मार्केट जाना पड़े। तो अगर गया तो आप लोग के साथ वो शेयर करूँगा, अगर नहीं गया तो फिर नाइट में जो भी करूँगा आपको दिखाऊँगा,
फिर उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड करूँगा, फिर मुझे अपलोड भी करना है, तो जैसा आप लोग के साथ बताऊँगा। तो सारे दिन का काम करके आप चले हम लोग मार्केट, तो चलिए कुछ देर में हम चौक पे जाएंगे तो आप लोग का उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाएंगे, हमारे यहाँ का छोटा सा मार्केट कैसा है तो आप लोग को दिखाते हैं थोड़ी देर में चौक पर जाके। तो मिलते हैं आप सीधा चौक पे। आ गए हैं घर चौक पर से सब्जी लेके। तो अभी यार कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया अपने चौक पर का, क्योंकि थोड़ा रात हो गया था, बहुत ज़्यादा ही रात हो गया था, और वहाँ पे इतना सारा धूल उड़ रहा था और क्या ही कहें, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो क्या कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज मैंने जो जो किया नहीं किया आपके साथ सब शेयर किया डेली ब्लॉग्स में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो अपना सपोर्ट दें, प्यार दें और प्यारा सा कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल के ब्लॉग में आप लोगों से। तो बाय, गुड नाइट।